पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर यती नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अजमेर में FIR दर्ज। विवादित बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर यती नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अजमेर के दरगाह थाना पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज कराई गई है। अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में खादिम मेम्बरान ने दरगाह थाना पहुंचकर यती नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत दी और FIR दर्ज करवाई। गौरतलब है कि नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से देश भर के मुस्लिम समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। ऐसे में अजमेर दरगाह अंजुमन सैयद जादगान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। इसी तरह अगले शुक्रवार को धरना प्रदर्शन और विशाल रैली निकालकर अपना रोष प्रकट करने की चेतावनी भी दी गई है। अंजुमन सैयद जादगान दरगाह शरीफ अजमेर से हम तमाम जिम्मेदार लोग दरगाह थाना अजमेर आए और आकर ये शख्स जो है यती नरसिंह सरस्वती गिरुड़ त्यागी, इसके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। ये बदतमीज़ बेहुदा शख्स, इसने हमारे आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, इसको मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मुसलमान अभी इतना मुर्दार नहीं हुआ है, अपना ज़मीर फरोश नहीं हुआ है कि जो कोई भी आकर आए दिन जो है कोई बारिश रसूल की शान में गुस्ताखी कर दे और मुसलमान खामोश बैठा रहे। हमारा खून इतना ठंडा नहीं हुआ इस वक्त कि हम जो इस गुस्ताख के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके। ये हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे मुंह कैसे दिखाएंगे अगर इसके खिलाफ हम लोगों ने कोई आवाज़ ना उठाई। क्या आपकी ओर से कोई मुकदमा दर्ज कराया गया? हमारी ओर से पूरे अंजुमन सैयद जादगान की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आज हम दरगाह थाने आए, CI साहब से मुलाकात करिए, इसकी कॉपी SP साहब को भी हमने पेश की है। अब हम हिंदुस्तान की सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि आए दिन ये बदतमीज़ लोग, नामाकुल लोग, बेहुदा लोग जो किसी भी मज़हब के खिलाफ, ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं, वली हैं, सूफी हैं, उनके खिलाफ आके आए दिन बेहुदा बयान दे दें तो सरकार हिंदुस्तान की सरकार से हम गुजारिश करेंगे एक इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जब भी ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर और तमाम धर्म संस्थाओं में आकर जो बयानबाजी करते हैं, कोई ऐसा कानून बनाए ताकि इनको फौरन इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। यह हमारी हुकूमत है, इनसे गुजारिश है। और ये अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा मुसलमान अपने घर में गुस्सा का इजहार कर रहा है और हुकूमत ने अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया है। इसको जितनी जल्दी हो अरेस्ट किया जाए। क्या आपकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा? नहीं, हम तो इतने गुस्से में, आज जुम्मे का दिन था, हमारे यहाँ पर हमारे ऊपर इतना जोर आ रहा है कि इसके खिलाफ कोई एहतजाज किया जाए, लेकिन हम आज खामोश हैं। हम इसके खिलाफ एहतजाज जरूर करेंगे। अगले जुम्मे को हम अपना संविधान के दायरे में एहतजाज दर्ज करेंगे, हम प्रोसेशन निकालेंगे। अगर हमें प्रशासन ने प्रोसेशन निकालने की इजाज़त दी तो हम प्रोसेशन भी निकालेंगे और अपने गुस्से का इजहार करेंगे, और अगर हमें इजाज़त नहीं दी तो हम दरगाह बाजार के ऊपर हम अपने गुस्से का इजहार करेंगे और एहतजाज करेंगे।